बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं गैसों के नियम। गैसों के नियम में बच्चों मैंने सबसे पहले आपके सामने लिया हुआ है बॉयल का नियम। तो बच्चों बॉयल का जो नियम है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसी गैस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखिए कि स्थिर ताप पर यानी तापमान आप जो भी लेंगे वो आप स्थिर कर दीजिए। हमको तापमान को बार बार वेरिएट नहीं करना है, ताप को बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक, ताप चेंज मत करिए, फिक्स कर दीजिए उसको, स्थिर हो जाएगा। देन क्या करिए, जो भी गैस आप लेने जा रहे हो उस गैस की आप मात्रा निश्चित कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। आप 1 मोल ले रहे हैं, 10 मोल ले रहे हैं, 20 मोल ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए आपने 5 मोल लिया, अब वो भी निश्चित कर लीजिए। अब उस गैस की निश्चित मात्रा पर जो भी दाब आप लगाएंगे, वो लगाया गया जो दाब होगा वो दाब उस गैस के आयतन के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर जो व्युत्क्रमानुपाती शब्द है तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना बच्चों। तो यहां पर 2 शब्द आएंगे, वो दोनों की व्याख्या मैं आपके साथ करना चाहूंगा बच्चों। यहां पर जो शब्द है, एक शब्द हम प्रयोग करते हैं समानुपाती, है ना, समानुपाती। या बच्चों बहुत सारी पुस्तक में इसको अनुक्रमानुपाती बोलकर भी संबोधित किया गया है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द आप देख रहे हो वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों ये 2 तरह के शब्द होते हैं, एक होता है समानुपाती और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती। बच्चों जब 2 राशियों के बीच में समानुपाती या अनुक्रमानुपाती संबंध होता है तो इसका संक्षिप्त सा मतलब होता है कि एक निश्चित सीमा तक अगर हम पहली राशि के मान को बढ़ाएंगे तो उसके संगत दूसरी राशि का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। या अगर हम पहली राशि के मान को घटाएंगे तो उसके संगत एक निश्चित सीमा तक दूसरी राशि का मान भी घटेगा, है ना, क्योंकि मात्रात्मक रूप से उनके बीच में संबंध किसका है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। मैं यहां पर एक लिमिट की बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि आप एक राशि के मान को बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी राशि का मान बढ़ते ही जाएगा, या एक राशि के मान को कम करते जाएंगे तो दूसरी राशि का मान कम होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक निश्चित सीमा तक हम किसी राशि के मान को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा, एक निश्चित सीमा तक हम किसी राशि के मान को कम करेंगे तो दूसरी राशि का मान भी कम होगा, घटेगा। यह लिमिट हमको ध्यान में रखना है, तब हम बोलेंगे उन दोनों के बीच में जो मात्रात्मक संबंध है वो क्या है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। एक और मात्रात्मक संबंध होता है बच्चों, वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का सीधा सा संदर्भ है कि जब हम एक राशि के मान को बढ़ाएंगे तो उसके विपरीत में दूसरी राशि का जो मान है वो घटेगा, या अगर हम दूसरी राशि के मान को कम करेंगे तो उसके संगत जो पहली राशि है उसका मान बढ़ेगा, वो भी एक निश्चित सीमा तक। अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप एक के मान को बढ़ाओगे तो दूसरे का मान बिल्कुल घटता ही चला जाएगा, है ना, एक निश्चित सीमा तक ऐसा होगा। तो ये 2 तरह के मात्रात्मक संबंध होते हैं बच्चों। इन 2 मात्रात्मक संबंधों में से हमने एक प्रयोग में लिया हुआ है बॉयल के नियम में, और हमने यहां पर बोला हुआ बच्चों कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है, गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है वो उसी गैस पर आरोपित दाब के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, है ना। तो अब इसको हमें गणितीय रूप में समझते हैं, या मैं आपको ऐसा बता दूं कि बॉयल के नियम का गणितीय रूप आपके सामने आ जाएगा, और वो है बॉयल के नियम का गणितीय रूप। तो बच्चों नियम के अनुसार आपने देखा गैस का आयतन समानुपाती दाब, है ना, जो भी आरोपित है आरोपित दाब आपको याद रखना, ताप स्थिर है। तो मैं गैस के आयतन को V मान लूं बच्चों, मैं यहां पर जो दाब है वो व्युत्क्रमानुपाती है ना, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो गैस का आयतन व्युत्क्रमानुपाती 1/दाब। बच्चों मैंने आयतन को V मान लिया, दाब हो जाएगा 1/P। प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो V इज इक्वल टू K/P। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो बच्चों ये P V के साथ इंटू में आ जाएगा, तो VP इज इक्वल टू K। फाइनली बच्चों इसके आधार पर हम अब एक डेफिनेशन दे सकते हैं, और हम कह सकते हैं स्पष्ट है कि दाब एवं आयतन का
गुणनफल एक नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनल एक स्टेटमेंट आया और इस तरह से हमने बॉयल के नियम का क्या देखा बच्चों, गलती रूप देखा। बच्चों आगे चलते हैं जल्दी से दूसरे गैसीय नियम पर, और हमारा जो दूसरा गैसीय नियम है वो है चार्ल्स का नियम। बच्चों चार्ल्स का नियम क्या कहता है ध्यान दीजिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसी गैस को दिए जाने वाले ताप के कैसा होता है, समानुपाती होता है। बच्चों ये है हमारे पास चार्ल्स का नियम। बच्चों मैं जल्दी से आपको चार्ल्स के नियम का गलती रूप भी बता देता हूं, ठीक है। गलती रूप बच्चों नियम के अनुसार अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो देखिए, हमने कहा स्थिर दाब पर, इस बार दाब को स्थिर रखना है। बच्चों जिस कंटेनर में भी आपने गैस रखी हुई है उसके चारों तरफ से जो दाब आप उस पर आरोपित कर रहे हो उसको फिक्स कर दीजिए, आप बार बार दाब को बदल नहीं सकते, दाब फिक्स कर दीजिए। तब गैस की निश्चित मात्रा का जो भी आयतन है उस आयतन को आप कितना ताप दे रहे हो ना, उसको दिया जाने वाले जो ताप है बच्चों वो कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में जो रिलेशन है आयतन और ताप के बीच में कि वो एक दूसरे के साथ समानुपाती है। तो आपको मैंने बताया कि गैस का आयतन समानुपाती ताप। बच्चों अगर गैस के आयतन को मैं v मान लूं, ये समानुपाती है ताप के। बच्चों v इज इक्वल टू, मैं एक कॉन्स्टेंट ले लूं k इंटू टी, ठीक है। मैं यहां से k की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, जो t है वो v के अपॉन में आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा v अपॉन t। बच्चों इस तरह से ये चार्ल्स के नियम का हमारे पास क्या आ जाएगा, गलती रूप आ जाएगा, और इस तरह से हम चार्ल्स के नियम की गलती व्याख्या भी कर सकते हैं। बच्चों बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले कुछ वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।